बहुत ही सीनिक से ड्राइव करके मैं पहुंच गया हूँ एक व्यू पॉइंट पे जिसका नाम है मकोंडी व्यू पॉइंट, और यहाँ से व्यूज़ हैं इनसेन। पानी एज यूजुअल बहुत ही साफ क्रिस्टल क्लियर, तलहटी तक दिखने वाला। जो ड्राइव थी वो भी काफ़ी सीनिक थी एज यूजुअल। स्टेयर चढ़ के आप एक रॉक पे बने हुए एक व्यू पॉइंट पे पहुंच जाएंगे आराम से, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे नज़ारे देख सकते हैं आप यहाँ से। पूरा रास्ता बहुत ही सीनिक, मैं कई बार बोल चुका हूँ एक्चुअली बहुत सीनिक है। ऐसे जगह जगह यहाँ पे स्पॉट्स ऐसे बने हुए, गाड़ी रोक के आप चिल मारिए, बीच एकदम शांत सा है, नहाइए, स्विम कीजिए, चिल कीजिए। ये है साउथ ऑफ मॉरिशस, बहुत ही फेमस लोकल्स और टूरिस्ट के बीच में लमोन बीच, और इस बीच का नाम पड़ा लमोन, पीछे लमोन माउंटेन है उसके नाम पे। चलो तो पार्टी, चिल आउट, बियर, फूड, टोटल पार्टी माहौल है। पीछे जो लमोन माउंटेन, इस पर काफ़ी सारे लोग हाइकिंग भी करते हैं, टॉप तक जाते हैं। हाइकिंग नहीं, बेसिकली रॉक क्लाइंबिंग करके जाना पड़ता है। अगर आप माउंटेनियरिंग के शौकीन हैं, मॉरिशस आएंगे तो ये चढ़ाई चढ़ सकते हैं। व्यूज़ पूरे साउथ के काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर अभी भी, शाम को सनसेट यहाँ से काफ़ी अच्छा दिखता है। मैं भी इसीलिए आया हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ सनसेट कैसा है यहाँ का। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ उस जगह का नाम आर्किनस्टोन, एरिया का नाम है लागोलेत, और इस एरिया में पूरे के पूरे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, बंगलोज़ हैं, विलाज हैं। उन्हीं अपार्टमेंट्स, उन्हीं विलाज में से एक ये प्रॉपर्टी आर्किनस्टोन, जिसका एक स्टूडियो अपार्टमेंट मैंने आज लिया है एगोडा के थ्रू, जिसकी बुकिंग का कॉस्ट था लगभग 4,000 रुपये इंडियन करेंसी में। व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, चलिए मैं आपको रूम दिखाता हूँ। ये है कमरा, काफ़ी बड़ा सा बेड, एसी, टीवी, सेफ, एक रैक बना रखा है सामान रखने के लिए, और इस साइड देखेंगे तो फुली इक्विप किचन है, सब कुछ ही है, कॉफ़ी मशीन, कैटल, टोस्टर, स्टोव, माइक्रोवेव, फ्रिज, सिंक, और काफ़ी सारे बर्तन भी हैं इनके पास। अगर आप बना के खुद से खाना चाहें तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर ऐसा वेल इक्विप्ड किचन हो, यहाँ बैठ के कॉफ़ी ना बनाई जाए, पी जाए, डिब्बे वाली मैगी, कप नूडल ना खाया जाए, तो क्या फ़ायदा ऐसे बीएनबी को लेने का, है ना। ये है हमारे होस्ट केविन, काफ़ी अच्छा सा अपार्टमेंट बना है, काफ़ी हेल्पफुल है, बैग मेरे साथ ऊपर लेके आए, मेरे लिए रेस्टोरेंट बुक कर रहे हैं। तो अगर आप आ रहे हैं मॉरिशस घूमने के लिए, आर्किनस्टोन लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनको आप इनका व्हाट्सएप का नंबर भी दे दूंगा, इनसे कांटेक्ट करके बुक कर सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है ये बीएनबी। व्हाट्स द नेम ऑफ द प्लेस? लागोलेत। द एरिया इज लागोलेत, साउथ वेस्ट ऑफ मॉरिशस। ये अपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है और काफ़ी नीट है और काफ़ी अच्छी वाइब्स दे रहा है, तो अच्छा लग रहा है। और बेस्ट पार्ट अभी मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा दिख गया होगा जब मैं रूम टूर दे रहा था,
पर बेस्ट पार्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त। और ये है यहाँ का हाईलाइट, बालकनी जहाँ बैठ के आप चाय सुट्टा कर सकते हैं और सामने नज़ारे हैं इंडियन ओशन के। ये बेसिकली एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, अलग अलग स्टूडियोज़ हैं और पूरा रेजिडेंशियल एरिया है। काफ़ी अच्छा पीसफुल शांत सा सिक्योर सी कम्युनिटी लग रही है। तो मॉरिशस घूमने आ रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम बिता सकते हैं। मुझे पहले आइडिया नहीं था कि किधर ज़्यादा रुकना है किधर कम रुकना है, पर जितनी भी अट्रैक्शंस हैं साउथ वेस्ट, साउथ में मेजरली हैं, वेस्ट और ईस्ट मिला के ज़्यादातर साउथ वेस्ट में ही हैं। तो इस जगह को बेस बना के आप अच्छे से मॉरिशस को कवर कर सकते हैं। अगर आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मॉर्निंग मॉन्क। पहली बार आए या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। वीडियो देख के अच्छा लगे लाइक और शेयर करना मिस मत कीजिएगा। मैं अपने अपार्टमेंट से कुछ 10 किलोमीटर की दूरी पर आया हूँ, हैप्पी राजा नाम के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। खाना खा के देखता हूँ राजा हैप्पी होता है कि नहीं। इसका रेटिंग गूगल पे काफ़ी अच्छा है, काफ़ी भीड़ है और रिजर्वेशन पहले से लेने पड़ते हैं। अगर 6 बजे के आसपास आप रिजर्वेशन लेंगे तो शायद आपको नहीं मिलेगा शाम के लिए। क्योंकि जो मेरे होस्ट थे केविन, उन्होंने क्या रिकमेंड किया गूगल पे अच्छे रेटिंग्स देखिए, इसलिए मैं 10 किलोमीटर दूर आया सर डिनर करने के लिए। हालांकि यहाँ 10 किलोमीटर मतलब लगभग 15 मिनट होता है, मुंबई टाइप का 10 किलोमीटर नहीं है, लोग ही नहीं है यहाँ पे। टोटली कॉन्ट्रास्ट है मेरे पिछले ट्रिप्स से, वियतनाम में लोग ही लोग थे, यहाँ लोग ही नहीं है। मैंने कुछ आइटम ऑर्डर किए हैं, इसके साथ आया है ये पापड़, 2-3 तरीके की चटनी, उस पैट तो घर ऑर्डर ही किया था। मैंने ऑर्डर किया था दाल मखनी और जीरा राइस। क्वांटिटी काफ़ी सारी थी, मैं फिनिश नहीं कर पाया, अकेले खा रहा था। दो लोग भी खाते तो आराम से खा सकते थे। क्वालिटी भी डिसेंट थी, मेरे टेस्ट के हिसाब से नहीं थी क्योंकि दाल मखनी थोड़ी सी मीठी लगी मुझे, इसलिए मुझे नमक काफ़ी सारा डालना पड़ा, बट अदरवाइज़ टेस्ट में ठीक था। टोटल बिल हुआ 320 मॉरिशियन रुपये का। वैसे ज़्यादा नहीं कहूँगा दाल मखनी, ज़ीरा राइस और स्प्राइट के लिए, बट बाकी सारी डिशेज़ महंगी थी। ज़ीरा राइस और दाल मखनी स्लाइटली सस्ती थी, पर इंडिया के बाहर जाएंगे मैं हमेशा ही बोलता हूँ इंडियन खाना महंगा ही मिलता है। वो पीछे जो माउंटेन दिख रहा है ना लमोर्न, उसके पीछे है अंडर वाटर वाटरफॉल का इल्यूजन। मेरा प्लान था कि वो जो अंडर वाटर वाटरफॉल का इल्यूजन वाला पोर्शन है और ये माउंटेन के सराउंडिंग में एक सी प्लेन ट्रिप लेने का, पर अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट पे करने की कोशिश की, नहीं मिला। अगले एक हफ्ते तक सोल्ड आउट है। अगर आप आ रहे हैं मॉरिशस और ये एक्टिविटी करना चाहते हैं, बहुत ही सीनिक सी एक सी प्लेन राइड होती है, तो आप पहले से बुक करके आइएगा, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगा। ये सामने जो आइलैंड है, यहाँ पे बहुत सारे बोट ट्रिप्स हैं जो उस आइलैंड पे आपको लेके जाते हैं, स्नॉकलिंग कराती हैं, और अगर आप लकी रहे तो आपको बहुत सारी डॉल्फिन्स भी देखने को मिलेंगी। मैं एक चीज़ मिस कर गया, अपने साथ शावर जेल और शैम्पू लेके नहीं आया। मैंने उम्मीद की थी कि BnB में ये सारी चीज़ें होती होंगी, पर यहाँ पर नहीं है। पर आप लोग अगर किसी भी BnB टाइप के सेटअप में जा रहे हैं तो अपने साथ कैरी ज़रूर कीजिएगा, मेरी तरह गलती मत कीजिएगा। मैं इंडिया के बाहर जब भी जाता हूँ इस तरह के MTR के कुछ पैक्स, कप्पा नूडल्स अपने साथ जरूर कैरी करता हूँ, क्योंकि क्या पता आपको कहीं खाने को मिले और कहीं खाने को ना मिले। तो अभी ब्रेकफास्ट यहाँ पे BnB में तो होता नहीं, खुद से बनाना पड़ता है। अभी मैं 3 मिनट्स रेडी वाला उपमा बना रहा हूँ और उसके बाद खाता हूँ। आप लोग भी इंडिया के बाहर अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो इस तरह के पैक साथ में कैरी कीजिएगा, भूखे नहीं मरेंगे। आपका उपमा एक बार तैयार हो जाए तो शांति से बैठ के बालकनी में चिड़ियों की आवाज़ को सुनिए, सागर को देखिए और उपमा एंजॉय कीजिए। चेकआउट से पहले मैंने एक बार सोचा कि ज़रा सराउंडिंग को एक्सप्लोर कर लीजिए वॉक करके, कैसा एरिया है, कैसे दिखता है, कैसे से घर है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, दिसंबर का पहला हफ्ता चल रहा है और यहाँ पे देखिए इतने सारे पेड़ पे आम लगे हुए हैं, दशहरी टाइप के लग रहे हैं। उसका रीज़न है, जैसे मैंने पहले ही बताया पिछले वीडियो में, ये सदर्न हेमिस्फीयर है इक्वेटर के नीचे, तो यहाँ का वेदर पैटर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि अपने इंडिया से टोटली उल्टा होता है। जब वहाँ समर होगा यहाँ विंटर, जब यहाँ विंटर तो वहाँ समर। अपार्टमेंट से 2 मिनट के वॉक पे ही आ जाती है ये मेन रोड, जो कि जोड़ती है साउथ मॉरिशस को नॉर्थ मॉरिशस के साथ। मेन रोड है, उस पर स्पीड लिमिट है 60 किलोमीटर पर आवर की। यहाँ पर है इस एरिया का ना गुले सुपरमार्केट,
प्रोनंसिएशन के लिए हमेशा ही फ्रेंच में माफी है मेरी तरफ से। फार्मेसी है, एटीएम्स हैं, सुपरमार्केट है, विलेज वॉक। दूर पे इंटरसिटी बसेस चलती हैं, यहाँ पे रेड लाइट लगाया गया है क्रॉस करने के लिए, और बटन है, बटन को प्रेस करेंगे तो उस रेड लाइट को पता चलेगा कि आपको क्रॉस करना है, आपके लिए गाड़ियों को रोक दिया जाएगा। हालांकि बस वाला रुका नहीं क्योंकि उसने मुझे देख लिया था क्रॉस करते हुए। यहाँ अपने देश की तरह ही छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं घरों में, जय गणपति। छोटा इंडिया ही है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही। घर बड़े शांत शांत से हैं। यहाँ देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है गणेश विसर्जन लेन, यानी कि गणपति भी काफ़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ प्लेस ऑफ वर्शिप पिकनिक प्रोहिबिटेड, गणेश विसर्जन यहाँ करते हैं, और भी चीज़ों के लिए यहाँ पे पूजा पाठ होती होगी, पिकनिक होगी, चिकन मटन फिश दारू सब चलेगा, इसलिए बहुत जगह पे मैंने बोर्ड्स देखे। जो गंगा तालाब गया था वहाँ पर भी बोर्ड्स लगे हुए थे, नॉन वेजिटेरियन एल्कोहल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ये है ला गोलेत का कोस्ट, बीच तो नहीं यहाँ पे, बट वाटर फ्रंट है, काफ़ी सुंदर और काफ़ी पीसफुल सा वाटर फ्रंट। कभी कभी छोटी सी वॉक ही काफ़ी मेमोरेबल बन जाती है पूरी ट्रिप में, काफ़ी पीस है यार, मतलब ऐसा लग रहा है मैं किसी दूसरे ग्रह पे चला गया हूँ, लोग ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ शांति शांति, सिर्फ चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, पानी के लहरों की आवाज़, ज़बरदस्त। यहाँ इस अपार्टमेंट से चेकआउट करना बड़ा आसान सा काम है, सिर्फ ये चाबी इसको यहाँ पे रख दीजिए शेल्फ पे, अपने बैग्स उठाइए, जाइए अपनी गाड़ी में रखिए और निकल पड़िए। यहाँ से चेकआउट तो हो गया, इस वीडियो से भी चेकआउट हो रहा है। आप लोग चेकआउट कीजिए, मेरा मॉरिशस का प्लेलिस्ट स्क्रीन के कॉर्नर पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आप लोगों से जल्दी मिलता हूँ, जब तक अगला वीडियो लेके आऊँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।